हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन इन योर होम। सो दिस इज द एंजॉयमेंट टू लर्न फ्रॉम होम। एंड नाउ टुडे आवर टॉपिक इज एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 5.7 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अर्लियर वी डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब अगर शॉर्ट में लिखूँ तो बेसिक अमाउंट ऑफ, एक्चुअली एनर्जी इज नॉट अमाउंट बट आई कैन से द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड। मतलब कि एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आती है। हम लोग जो भी अप्लायंसेस जो भी कुछ यूज़ कर रहे हैं वो एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्लियर? यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, मतलब कि मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, कोई नया मोमेंटम नहीं, कोई पुराना मोमेंटम जाने वाला नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल ऑफ बुलेट एंड गन। यस, सो आई एम राइटिंग इफ मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू, मोमेंटम की बात करेंगे तो पी से डिनोट करो और यहाँ पर बुलेट है तो पी बी, सो वेक्टर पी बी। क्लियर? सो इफ मोमेंटम ऑफ गन, अगर गन की बात करें तो मोमेंटम ऑफ गन विल बी वेक्टर पी जी। तो अगर मैं गन से बुलेट को फायर करूँ तो व्हाट हैपन्स देयर? कभी आपने फायर किया है? अगर वो खिलौना की भी गन होगी, वो एयर गन आती थी जिससे हम फायर करें ना, तो बुलेट थोड़ी पीछे आती थी। और मूवीज़ में भी आप लोग देख सकते हैं कि जब भी कोई राइफल फायर करता है कंटिन्यूसली तो ऐसे वाइब्रेट होने लगती है राइफल। क्लियर? तो वो एक्चुअली वाइब्रेट क्यों होती है? तो अगर गन जो बुलेट है, वो बुलेट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, अगर उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगी, तो उसी मोमेंटम से हमारी जो गन है वो भी पीछे जाएगी, तभी तो कंजर्व होगी मोमेंटम। क्लियर? सो इफ वी फायर्स अ बुलेट फ्रॉम गन, द बुलेट गेट्स मोमेंटम फॉरवर्ड साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो गन है, गन गेट्स मोमेंटम बैकवर्ड साइड। क्लियर? तो जो गन है वो पीछे खींची चली जाएगी, पीछे जाएगी गन। क्लियर? तो आई कैन राइट from the above data that vector PB is equal to minus vector PG. Both have momentum but they are in opposite direction. Clear? Okay. So here this whole arrangement is in isolated system. यहाँ पर जो भी बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर की जो एयर है, वो रेजिस्टेंस है, वो सब हमें नेगलेक्ट कर देनी है। सो आइसोलेटेड सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो अगर यहाँ पर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात करूँ
तो इसको एक सीधे से फॉर्मूला से लिख सकता हूँ कि भाई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिंपल एज इट इज सिंपल एज फाइनल मोमेंटम, दोनों सेम होंगे। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम की अगर फॉर्मूला लिखो तो चेंज इन मोमेंटम विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और अगर दोनों कंजर्व है तो आंसर विल बी जीरो, चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो हियर। क्लियर? ओके, नाउ सो यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन बी ड्यू टू ए, सिमिलरली फोर्स इज ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर? सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की बात करें तो वी नो दैट द एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सिंपल सा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर भी सेम एग्जांपल मैंने लिया, तो यहाँ पर मोमेंटम की जो वर्किंग है वो कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर फोर्स है तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बाई वेक्टर एफ ऑन बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ ए बी होगा, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। क्लियर? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ की बात अगर हो रही है तो आई कैन राइट द फॉर्मूला वेक्टर एफ बी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर फोर्स ऑन बी की बात हो रही है ना, तो वेन एवर आई राइट फोर्स इफ आई एम मल्टीप्लाइंग विथ टी टाइम, टाइम पर्टिकुलर टाइम फॉर दैट फोर्स इज इक्वल टू नाउ चेंज इन मोमेंटम, यस सो इट इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन बी, सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर? सो दिस इज फोर्स ऑन बी बाय ए। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑन ए बाय बी इंटू टी इज इक्वल टू, अब ए पर के फोर्स की बात कर रही है, अगर ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लग रहा है तो माई मोमेंटम चेंजेस आर फ्रॉम फाइनल चेंज इन फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंट ऑफ ए। क्लियर? सो आई कैन राइट पी बी एंड पी ए डैश बोथ आर फाइनल मोमेंटम ऑफ बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली पी बी एंड पी ए आर इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। क्लियर? दोनों रिस्पेक्टिवली है। ओके, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला इफ बाई पुटिंग दिस फॉर्मूला इन टू हीयर, यहाँ पर रखो सो मल्टीप्लाई विथ टी बोथ दी साइड्स, इफ आई मल्टीप्लाई विथ टी बोथ दी साइड्स देन वॉट हैपन्स देर, सो देर विल बी वैक्टर एफ बी ए इंटू टी इज इक्वल टू माइनस वैक्टर एफ ए बी इंटू टी। सो बाई पुटिंग दिस फॉर्मूलाज हीयर, दिस टू फॉर्मूलाज हीयर, दिस टू फॉर्मूलाज इंटू दिस हीयर, सो आई कैन राइट दैट एफ बी ए इंटू टी इज नथिंग बट वेक्टर पी बी डैश माइनस वेक्टर पी बी इज इक्वल टू, ओके नाउ माइनस साइन ब्रैकेट एफ ए बी इज नथिंग बट वेक्टर पी ए डैश माइनस वेक्टर पी ए। क्लियर? ओके, सो कम्स टू हियर, सो वेक्टर पी बी डैश माइनस वेक्टर पी बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर पी ए डैश प्लस वेक्टर पी ए। ओके, बाय चेंजिंग दी डायरेक्शन इफ आई मूव दिस टू हियर एंड दिस टू हियर देन आवर फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, वेक्टर पी ए डैश प्लस वेक्टर पी बी डैश इज इक्वल टू वेक्टर पी ए प्लस वेक्टर पी बी।
So this is the main formula for our theory, conservation of momentum. How can I define this formula? So this dash are the final momentums, and this without dash are the initial momentum. So I can write here, for the law of conservation of momentum, final total momentum is equal to initial total momentum. So hence it is proved of the law of conservation of momentum. So that's all for today, guys. Thank you very much for listening my video lectures till the end. Thank you so much. This means a lot to me. Thank you.